आप लोगों का जो एग्जाम होता है जेई मेंस या जेई एडवांस, वो उसका टाइमिंग क्या होता है? 9 से 12 9 to 12 है ना, और जेई दो एडवांस शिफ्ट का, होता है ना। हाँ, दो शिफ्ट होता है। तो वो शिफ्ट कुछ भी आ सकता है आपका, मॉर्निंग शिफ्ट भी आ सकता है, इवनिंग शिफ्ट भी आ सकता है। इवनिंग शिफ्ट रहेगा तो 2 to 5 रहेगा, और जेई एडवांस में तो दो पेपर होते ही हैं, तो उसमें तो क्या यस है, सर, 9 to 12 भी देना होता है और 2 to 5 भी देना होता है। तो क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपका बॉडी क्लॉक ऐसा रहे कि 9 to 12 में जब एग्जाम देना पड़े आपको, तो ऐसा नहीं हो कि सुबह जल्दी उठने की वजह से कुछ सरदर्द वगैरह होने लग जाए, है ना। कई बच्चों की आदत होती है क्या, देर से उठने की आदत, तो क्योंकि कॉलेज का भी टाइम तुम्हारा देर का है ना बेटे। यस सर, तो जैसे, अच्छा, एग्जाम वाले दिन क्या होता है, सेंटर मान लो आपका दूर आ गया, है ना, सेंटर मान लो आपका घर से जो है वो थोड़ा दूर आ गया, तो मान लो एक एक घंटा, 1.5 2 घंटे का ट्रैवलिंग करना है आप, तो उस दिन क्या होगा, आपको सेंटर पे पहुंचना होता है 8 सवा 8 बजे तक, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर। तो आप 10 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करोगे, सर कब? एग्जाम वाले दिन की बात कर रहा सर मतलब अभी ट्यूसडे को ऑफलाइन होगा? हाँ हूँ। नहीं, अरे तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? सर, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं भाई के जेई मेंस जो एग्जाम होता है उसका, वो होता है मॉर्निंग शिफ्ट उसकी होती है 9 AM to 12, है ना, सुबह 9 से 12। ओके सर। अब क्या है, एग्जाम सेंटर जो है वो थोड़ा दूर आ गया आपका, दूर आ गया मतलब घर से 1 घंटा 2 घंटा की ट्रैवलिंग पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग टाइम 8:15 8:30 बजे का होता है, तो आपको मान लो 6 बजे घर से निकलना होगा सेंटर पे पहुंचने के लिए, और 6 बजे निकलने के लिए आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी कम से कम 5 साढ़े 5 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो जाए कि भाई क्या है सर, हमारी तो रोज उठने की आदत ही नहीं है, सुबह उस दिन जबरदस्ती सुबह उठ गए और सर दर्द हो गया, दिमाग ही काम नहीं किया हमारा, तो एग्जाम में ऐसा होता है कई बच्चों के साथ, समझ रहे हो। तो क्या है भाई, चलो ठीक है, 5 6 बजे नहीं तो कम से कम क्या है, हमें आदत होनी चाहिए एटलीस्ट 7 बजे तक तो उठने की आदत होनी चाहिए। 7 बजे की आदत होगी तो एक एक 1.5 घंटे आगे पीछे चल जाएगा। हम लोग क्या है, एग्जाम के 1 महीना पहले आपको बोलने लग जाएंगे कि भाई अब रोज सुबह 5 बजे उठने लग जाओ, 5:30 बजे उठने लग जाओ, इस तरह का करने लग जाओ, तो वो 7 से 5:30 का शिफ्टिंग उतना पेनफुल नहीं होगा बॉडी के लिए, है ना। एंड उसके अलावा क्या है, मान लो अभी आप 7 बजे भी उठ रहे हो तो कोशिश करो कि जो एग्जाम वाला टाइम होता है ना, 9 से 12 वाला स्लॉट वाला, उसमें आप लोग अपनी टेबल चेयर पे बैठ करके प्रॉपर स्टडीज करो कंसंट्रेशन के साथ, ट्राई एंड मेंटेन योर कंसंट्रेशन लेवल्स फॉर 2.5 आवर्स 2 आवर्स एटलीस्ट ऑन अ सिंगल गो। एक बार जैसे सर अपन नौ मतलब बजे पढ़ने नौ उससे बजे ज्यादा भी कर पढ़ने सकते ना? हाँ ज्यादा तो कर ही सकते हो, उससे ज्यादा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करना ही है। अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं ऐसे जो सुबह उठ जाते हैं 6 बजे तक, सुबह 6 बजे उठने वाला कोई है? एक बच्चा, तो सर मतलब आदमी उठ सकता हूँ लेकिन नहीं उठता, ओके ओके, उठने की आदत ही चली गई। सुबह उठने की आदत चली गई, हाँ, हाँ क्योंकि सर, अब कॉलेज ठंडी है देर ना। से, हाँ, ओके।
तो क्या है, थोड़ा सा आदत को लेके आओ, है ना। अभी अगर मान लो आप लोग 8-9 बजे उठते हो, तो कोशिश करो कि उसको पहले 7 तक लेके आओ, फिर 7 से 6 तक शिफ्ट करो, और आप देखोगे सुबह बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब उठ करके उस समय शांति भी होती है, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। सुबह सुबह ही उठते ही आपने 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो क्या है पूरे दिन भर में आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, अरे वाह यार मैंने तो आज 3 घंटे पढ़ाई कर ली पहले। जो भी होमवर्क वगैरह है, जो भी क्लास में डिस्कस होने वाला है, वो सब पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इसका वो यस सर, बायोलॉजिकल क्लॉक की ट्यूनिंग में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम टाइम। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से कहाँ, कल जहां पे हमने छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। आप शॉर्ट नोट्स के लिए सैंपल देने वाले थे। क्या बेटे, शॉर्ट नोट्स के लिए मैं सैंपल देने वाला था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देता हूँ तुमको, है ना, जो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था उसके शॉर्ट नोट्स बना के मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, और फिर उसके बाद क्या है आप सब लोग भी उसी तरह से बाकी चैप्टर्स के भी बनाने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, शॉर्ट नोट्स में क्या होता तो है, मतलब एक पेज पे फॉर्मूले वगैरह वैसे। हाँ बेसिकली ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर वी मस्ट हैव रिटन ऑल द एंटायर समरी और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि उस चैप्टर में हमने पढ़ा है और जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए पिछली क्लास में हमने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में बात की करी थी, है ना। उसी को आगे बढ़ाएंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या, जो लिख रहे हो नहीं दिख रहा। हाँ बेटे खुद देखिए।
स्क्रीन शेयर तो कर दिया, नहीं दिख रहा, मतलब जो लिख रहे हो नहीं दिख रहा सर, मतलब ब्लैंक स्क्रीन है। ओके ओके ओके, देखो जैसे मान लो पानी में एक पेंसिल रखी थी, इस तरह से पेंसिल पानी में रखी, ये हमें कैसी दिखाई देती? सर ऊपर होती है थोड़ी सी, सर क्रूकेड नजर आती है। सर हाफ पेंट। क्या ये थोड़ी टूटी हुई दिखाई देती है क्या, बेंट दिखाई देती है क्या? यस सर। क्या इस तरह से दिखाई देगी? क्यों भाई? वही बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग, इस वाले पॉइंट की इमेज थोड़ा ऊपर बनेगी, हर पॉइंट की इमेज उसकी एक्चुअल जगह से क्या हो जाएगी, थोड़ी ऊपर ऊपर बनती जाएगी, तो क्या होगा, पेंसिल हमें इस जगह पे दिखाई देगी। क्यों बेटे? यस सर, है ना? तो पेंसिल जो है वो हमें कैसे दिखाई देगी, थोड़ी सी अगर ऐसे है तो वो थोड़ी सी बेंट दिखाई, उठी हुई दिखाई देगी। तो ये भी क्यों होता है? दिस ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्या है, एक कंसेप्ट हमें और पढ़ना है जो उसको कहते हैं क्या, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो बेटे ये क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जब रेज डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती हैं तो क्या वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती हैं क्या? हाँ सर, दे बेंड वेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जो रे ऐसे सीधी जाएगी वो तो सीधे ही निकल जाएगी, नॉर्मली इंसिडेंट रे विल पास थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, जो थोड़े एंगल पे जाएगी वो थोड़ा नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी ना, जो थोड़े और एंगल पे ज्यादा एंगल पे जाएगी वो और ज्यादा एंगल पे बेंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नॉर्मल से दूर बेंड हो गए ना, नॉर्मल से अवे बेंड हो गए, जैसे ये नॉर्मल लाइन है ना, तो अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो सीधे चली जाती ना ये वाली रे, ऐसे चली जाती, ये जो रे है ऐसे चली जाती, ये ऐसे चली जाती, ये रे, ठीक है? तो ऐसा स्ट्रेट जाने की जगह नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, कहने का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या
क्या कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा मिल सकता है हमें जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए? रे इस तरह की बन जाए, बोलिए बच्चा। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच रे गेट्स रिफ्रैक्टेड एट रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल है ना। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हम देंगे बच्चों? सर बीच वाला पेज। एक मिनट, ब्लैंक पेज किधर से आ गया? ये डायग्राम नोट कर रहे हो क्या? यस सर। हो गई सर। हो गया। देखो एक बात और लिख लो, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ray shifts where? Away from normal. Away from the normal. Away from normal. अब क्या है? What is critical angle? For a given pair of medium, the angle of incidence in denser medium For a given pair of medium, the angle of incidence in denser medium for which light ray gets refracted at rarer medium. For which light ray gets refracted at 90 degree in rarer medium. ऐसा angle of incidence को क्या बोलते हैं बच्चों? Critical angle. The angle of incidence in denser medium for which light ray gets refracted at 90 degree in rarer medium. मतलब देखो जैसे आप मानो के एयर है और लेट्स से कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो के √2 कितना है बेटे? √2। अब इसमें से रेयरर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर कौन सा होगा भाई? सर डेंस मीडियम 2 होगा ना, सेकंड वाला। ये √2 वाला जो मीडियम है वो √2 वाला डेंसर मीडियम होगा, एयर रेयरर होगा। एयर सर एयर का 1 होता है ना, रिफ्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। ओके सर, अब हमें क्या ढूंढना है? डेंसर मीडियम में तो रे को इंसिडेंट कराना,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रेयरर डेंसर मीडियम सो दैट रे गेट्स रिफ्रैक्टेड इन द वेयर रेयरर मीडियम एट कितना 90 डिग्रीज ऐसा हो जाए, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू आएगी? रूट टू क्या लिखा है? रूट टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रूट टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एक ऐसा ही एग्जांपल के तौर पे अपन समझ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज suppose, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों स्नेल्स लॉ की? सर साइन थीटा सी अपॉन रूट टू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू वन इंटू साइन 90 डिग्री। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई उस मीडियम में जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो, ये बराबर आएगा 1 इंटू साइन 90 डिग्री के। इसका मतलब साइन थीटा क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू आ जाएगी? क्या 1 बाई रूट 2 आ जाएगा क्या? यस सर 1 बाई रूट। यस सर। इसका मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना आ गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री के बराबर आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री के बराबर। तो इस मीडियम और एयर का जो कॉम्बिनेशन है, का जो पेयर है, उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, है ना। इतने एंगल पर अगर हम डेंसर साइड से रे को इंसिडेंट करवाएं तो वो 90 डिग्री एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, है ना। ये वाली जो रे है ना, इसको ग्रेजिंग रे भी बोलते हैं। कौन सी वाली सर? इंसिडेंट की रिफ्रैक्टिव, जो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होकर के चलती, मतलब वो रिफ्रैक्टेड वाली ना। रिफ्रैक्टेड वाला, रिफ्रैक्टेड वाली, है ना। ग्रेज ग्रेज करने का मतलब क्या होता है? छू के चल, छूना, है ना, टेंजेंशियल हो जाना। सर उसका स्पेलिंग क्या है? GRAZING, ग्रेजिंग। सर क्रिटिकल एंगल सभी डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा ना? डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। यस, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम। हम किसी भी एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बच्चों? ये पेज नोट कर लिया, अगले पेज पे चलें क्या? यस सर। यस सर। मान लो आपके पास क्या है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री के एक तरफ रेयरर मीडियम, दूसरा पेज नहीं दिख रहा, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम। क्या बोल रहे हो बेटे? दूसरा पेज नहीं दिख रहा है सर, जहाँ दिख रहे हो आप। अच्छा, दोबारा शेयर कर। सर वो ग्रेजिंग रे का डेफिनेशन क्या था? रे विच इज टेंजेंशियल टू द इंटरफेस, रे विच इज टेंजेंशियल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। रेयरर मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nr, और एक डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nd, है ना।
भाई कोई भी दो मीडियम जब हमें दिए जाएंगे तो रेरर और डेंसर अपने आप पहचान लेंगे अपन। रेरर किसको कहेंगे? जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो, कम है, है ना। डेंसर वो जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई, और अब अगर आपको क्रिटिकल एंगल की बात करनी है तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन विच मीडियम बेटे? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम फॉर विच रे गेट्स रिफ्रेक्टेड एट 90 डिग्री इन रेरर मीडियम। तो अब हम जनरल फॉर्मूला लगा दें, स्नेल्स लॉ लगा दें, क्या आ जाएगा? एन ऑफ डेंसर मीडियम इनटू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एन ऑफ रेरर मीडियम इनटू साइन 90 डिग्री। इसका मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की क्या वैल्यू आ गई? एन आर बाई एन डी के बराबर आ गई, है ना। या जो क्रिटिकल एंगल है उसको आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स ऑफ एन आर बाई एन डी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। एन आर मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम, एन आर का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। एन डी का मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अच्छा ये तो बात हुई क्रिटिकल एंगल की। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है जी? सर जब रिफ्रैक्टेड रे रेरर में जाए ही ना। हाँ बिल्कुल सही बात, वो फिर से टकरा के डेंसर में ही आ जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में जो है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, है ना, तो क्या होता है? रे रेरर मीडियम में एंटर ही नहीं करती है। रे का एक बाउंड्री से ऐसा लगता है जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रेक्शन हुआ ही नहीं, है ना। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब तो रेरर मीडियम मिरर जैसे एक्ट करेगा। डेंसर मीडियम मतलब जो बाउंड्री है, उनकी जो बाउंड्री है वो मिरर की तरह से एक्ट करे। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन the critical angle for that pair of medium, then no refraction takes place. That is, entire energy carried by incident ray gets reflected back into the denser medium, into the denser medium. This phenomena is called as
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, TIR। सर सर हाँ देखो, रे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब रे डेंसर साइड से इंसिडेंट हो रही हो, रेयरर मीडियम की तरफ से अगर रे इंसिडेंट होगी तो उसका कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा बच्चे, समझ में बात आती है। अगर हमसे कोई पूछे कि कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट आर कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो बस बताना होगा ना कि डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट होनी चाहिए। तो दो कंडीशन, पहला तो रे मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर साइड, और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल for that pair of meeting। ये बाउंड्री है, बाउंड्री के नीचे मान लेते हैं डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है, और हमने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को डेंसर साइड से इंसिडेंट कर दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसा रखा हुआ है मैंने, क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा हुआ। तो क्या होगा बेटे, इस रे का पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो जाएगा। This ray will get completely reflected. सर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्या बोल रहे हैं बेटे, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे ना, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी आई आएगा, इधर वाला एंगल भी आई ही आएगा। अब जब रिफ्लेक्शन होगा, नोट दैट व्हाइल रिफ्लेक्शन ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी फॉलोड, सर एक बार वो क्रिटिकल एंगल वाला डायग्राम दिखाओ। क्रिटिकल एंगल वाला डायग्राम बताएं। सर इसमें अगर हम वो रे जहां से आ रहा है इंसिडेंट वाला वहां से देखेंगे तो क्या दिखेगा, कहां से देखोगे सर, मतलब अगर इंसिडेंट एंगल को आगे एक्सटेंड करेंगे तो वहां से देखेंगे तो इधर से, हाँ सर यहां से देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको क्या है वो इधर से ही देखना पड़ेगा तभी जाकर के कुछ लाइट दिखाई देगी। ओके सर। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग वहाँ पे, वो एक नेहरू साइंस सेंटर है वर्ली में, वहाँ पे गए हैं क्या कुछ लोग? यस सर। हाँ सर यस सर। नेहरू साइंस सेंटर है तो
वहां पर एक जो ऑप्टिक्स वाला जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में आपने देखा होगा कि एक इस तरह का उन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाया हुआ है, और वहां पर एक वो ग्लास को किसी पर्टिकुलर फिक्स एंगल पे लगा के रखते हैं, और इस तरह का एक नीचे वुडन बॉक्स टाइप का बना रखा है ना, इसके ऊपर कुछ ग्लास व्लास लगा रखा। सर कैलाइडोस्कोप? नहीं, नॉट कैलाइडोस्कोप। उसमें क्या है, उन्होंने एक जगह बना रखी कि आप ऐसे अंदर जा सकते हो, और अंदर जाकर के क्या है, आप ऐसे खड़े हो जाओगे, ये जो होल दिख रहा है यहाँ से अपनी गर्दन बाहर निकाल लो, और यहाँ पर एक कुछ एंगल पे कुछ ग्लास लगा हुआ। यस सर, वो ऐसा लगता है हम लोग फ्रूट बास्केट में है। और बाहर से अगर आपका कोई फ्रेंड आपको देखेगा तो उसको आपका मुंह दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ऐसे नीचे वाला पार्ट दिखाई देगा। We are able to see some part of your body, और ऊपर वाला पार्ट मुंडी जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो वो एक्चुअल में उसके पीछे रीजन क्या, उन्होंने वो एंगल ऐसा सेट करके रखते हैं कि ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी रे बाहर नहीं निकल पाती, रे बाहर नहीं निकल पाएगी ज्यादा ना। हाँ, ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। अच्छा देखिए, और कहाँ कहाँ पे ये फिनोमेना यूजफुल होता है टोटल इंटरनल रेनबो फॉर्मेशन में? रेनबो वाटर ड्रॉपलेट्स, रेनबो फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता बेटे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे फॉलो होता है बता रहा हूँ। एक तो होता है मिराज फॉर्मेशन के समय। सही है, एप्लीकेशंस है ना? एप्लीकेशंस। दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमें देखने को मिलता है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। देखो क्या होता है बेटे, ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या, मिराज फॉर्मेशन की बात करते हैं सबसे पहले। अपन बात करते हैं किसकी, मिराज फॉर्मेशन। देखो मिराज फॉर्मेशन क्या है, कंसिडर अ वेरी लॉन्ग डेजर्टेड हाईवे जिसपे कि आप चल रहे हो, और क्या है व्हीकल पे मूव कर, चलते समय आपको ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे रोड पे क्या है कोई शाइनी ऑब्जेक्ट। हाँ सर, पानी जैसे, पानी जैसा लगता है, या तो पानी फैला हुआ है क्या, या कोई कांच का टुकड़ा उधर रखा हुआ है क्या, ऐसा फील होता है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरी होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वेरीज विद टेम्परेचर, और स्पेशली गर्मी के दिनों में क्या है कि जो एयर होती है जो कि रोड के कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, और लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका कम हो जाता है ना। तो यहां पर विद इन एयर कुछ ऐसी लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है कि ऊपर की तरफ तो हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाली एयर होती है, और नीचे की तरफ लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाली एयर होती है ना। अब मान लो सन रेज जो है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, अब हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तरफ जाती है तो थोड़ा नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, फिर और लो की तरफ गई तो और अवे बेंड हो गई, ठीक है, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती जा रही है। तो नॉर्मल से अवे बेंड होती जा रही है तो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फर्दर लेयर के लिए है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है,
है ना बेटा। अब क्या है, मान लो कि यहां से उसको और थोड़ा नीचे जाना था, लेकिन नीचे डेंसर मीडियम का फॉर्मेशन हो गया और एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब रेयरर मीडियम का फॉर्मेशन हो गया। डेंसर से रेयरर मीडियम में रे जाना है, लेकिन वो और आगे नहीं जा पा रही, बल्कि उसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना बेटे, तो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के समय क्या होता है, रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती। तो हमें ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द रोड से हमें क्या लगेगा, एक पर्टिकुलर पैच ऑफ द रोड से हमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में गिर रही है ना। अब हमारा ब्रेन जो है वो उसी चीज के लिए ट्रेन हो जाता है जिसको वो ज्यादा समय तक देखता है या ऑब्जर्व करता है। अब ऐसा ऐसा हमें कब फील होता है कि बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट हमारी आंख में गिरे, ऐसा हम ऑफन कब देखते हैं ऐसा भाई? या तो पानी की सरफेस से जो सन रेस का रिफ्लेक्शन होता है वो इस तरह का होता है। तो हमारा दिमाग क्या है, अपने डेटाबेस में से वही पुरानी उसकी मेमोरी रिकॉल करता है। वो कहता है अरे भाई ये इतनी सारी चमकीला चमकीला ऑब्जेक्ट लग रहा है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसा रिफ्लेक्शन तो मैंने पहले दो ही जगह से देखा हुआ है, या तो पानी से आता हुआ ऐसा रिफ्लेक्शन मैंने देखा है, या फिर मिरर से आता हुआ ऐसा रिफ्लेक्शन देखा। तो हमें हमारे ब्रेन को ये कैसा फील होता है कि वहां पर या तो ब्रेन ऐसे सोचेगा कि मतलब वहां पे पानी रखा हुआ है या मिरर रखा हुआ है, है ना, वहां पे या तो पानी रखा हुआ है या वहां पर मिरर। क्या ये बात समझ में आती है? इसको मिराज फॉर्मेशन एक बार फिर से समझाओ बेटे। देखो क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से स्पेशली समर डेज में क्या होता है कि जो एयर होती है, एयर की अलग अलग लेयर्स का जो रोड के कांटेक्ट में लेयर होती है उसका रिफ्रेक्टिव, एयर की जो लेयर होती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जैसे जैसे आप ज्यादा हाइट पे जाते हो तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहता है ना। ऊपर की तरफ जो लेयर है वो हाइयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की लेयर है, और नीचे की तरफ जो लेयर है वो लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की लेयर है। तो लाइट रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, जैसे सन तो है ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो सन रेस ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है इसका मतलब हाइयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तरफ सन रेस आ रही है। सन रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, हाइयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तरफ सन रेस जा रही है। तो हाइयर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है, अपन ऐसे कई सारी लेयर्स बना देते हैं, तो वो धीरे धीरे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती जाएंगी। जैसे पहले मान लो रेस इस तरह से भी अगर गिरी हो तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, मतलब थोड़ी ऐसे हो गई, फिर और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई तो थोड़ी और ऐसे हो गई, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई तो और ऐसी हो जाएगी। अब जब वो और ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है ना बेटा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है तो, और डेंसर से रेयरर मीडियम में और जा रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाए? तो जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, अगर उस हमारे मतलब विजन के अंदर वो वाली रे आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारे विजन के अंदर अंदर आ पा रही है, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस जगह पर रोड पे क्या है, एक शाइनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कुछ पानी वानी इस रोड पे रखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? यस सर, समझ। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हम ये हाई स्पीड डेटा इंटरनेट कनेक्शन जो हमारे घरों में आता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आता है ना बच्चों?
वो किसके थ्रू आता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आता। ये ऑप्टिकल, देखो बेटे बात क्या है कि जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे सिग्नल को भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ में लॉस बिल्कुल भी ना हो, है ना। क्योंकि अगर आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आपका सिग्नल भेजना है, हम जनरली कैसे, जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो वो आप लोग कैसे देख पा रहे हो, या मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो आवाज आप तक कैसे पहुंच पा रही है बेटे? सपोज मैंने कुछ बोला तो माइक्रोफोन बेसिकली उस वॉइस को रिकॉर्ड करता है, वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की प्रोसेसिंग करी जाती है, उसको अप्रोप्रिएट बनाया जाता है ताकि जब उस सिग्नल को भेजा जाए तो वो डिस्टॉर्ट ना हो, उसमें जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई हो वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। और एक बार ऐसा करने के बाद ये पूरा वॉइस का पिक्चर का पूरा पैकेट बना करके किसको सौंप दिया मैंने, जो लेट्स से जूम के थ्रू हम क्लास ले रहे हैं तो जूम एप्लीकेशन को मैंने दे दिया। नाउ जूम एप्लीकेशन विल प्रिपेयर द डेटा एंड विल पास इट ऑन टू द इंटरनेट। जैसे अभी मैं अगर वाईफाई कनेक्शन के थ्रू क्लास ले रहा हूँ तो ये डेटा किसके पास चला गया, राउटर के पास चला गया पूरा का पूरा, है ना। लेकिन वो राउटर पे भेजने से पहले जो मेरा डेटा था, जो मेरी आवाज है या जो पिक्चर है या जो मैं लिख रहा हूँ, जो टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, उनको उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है ना। और अगर आपको देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्लब कर करके भेजनी है तो क्या है, आपको हायर बैंड्स पे काम करना पड़ेगा। और हायर बैंड्स पे काम करने का नुकसान क्या होता है कि जो अटेन्यूएशन होता है, मतलब सिग्नल का जो लॉस होता है, वो काफी तेजी से होता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे अगर अपने को सिर्फ मोबाइल बात ही करनी है, सिर्फ मुझे आप तक सिर्फ मेरी आवाज ही पहुंचानी होती तो उसके लिए तो लैंडलाइन टेलीफोन ही काफी था या नहीं, या मोबाइल के टर्म्स में बात करूं तो 2G का कनेक्शन ही काफी था उसके लिए, है ना। 2G क्या, 1G का ही काफी था, समझ में बात आ रही। लेकिन क्या है, आपको आवाज भी पहुंचानी है, फोटो भी पहुंचाना है, वीडियो भी पहुंचाना है, टेक्स्ट भी पहुंचाना है, सब चीजें अगर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए हायर बैंडविड्थ की जरूरत होती है। अब हायर बैंडविड्थ जो है वो आप पूरी तरह से एयर का ट्रांसमिशन नहीं अचीव कर सकते हो, शॉर्ट डिस्टेंस में चल जाएगा लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं कर सकते हो आप। तो लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको हायर बैंडविड्थ का डेटा पहुंचाना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपका ऐसा मीडियम चुनना पड़ेगा कि उस मीडियम के थ्रू जब डेटा ट्रांसफर हो तो बिल्कुल भी डेटा में लॉस ना हो। तो हम क्या बनाते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल ये काम करती है। और ऑप्टिकल फाइबर किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। मतलब हम इस तरह के मीडियम चुनते हैं, मतलब ये ऐसी दो सिलेंडर से मिलके बनी हुई होती है, आउटर सिलेंडर को बोलते हैं क्लैडिंग और इनर सिलेंडर को बोलते हैं कोर। देयर इज अ कोर एंड देयर इज अ क्लैडिंग। इनर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, और आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्लैडिंग।
दोनों का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है बेटा। एक का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1 मान लो, एक का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2 मान लो। हम क्या करते हैं, जिस भी सिग्नल को मेरे को ट्रांसमिट करना है, भेजना है, उसको इस कोर वाले पार्ट में एंटर कराते हैं। और ये कोर वाले पार्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और N2 का इस तरह से चुनाव किया जाता है कि ज्यादातर लाइट रेस का या सिग्नल्स का क्या हो जाए, कोर के अंदर ही अंदर क्या होता रहे, बच्चों क्या होता रहे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खास बात क्या है, आपको 2, 5, 10 हजार किलोमीटर लंबी भी आप ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाओगे तो क्या होगा, बिकॉज 100% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती। कितनी परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाती है? 100% बेटे, 0.1% का भी लॉस नहीं होता। मान लो कि ऐसा हो जाए कि हर रिफ्लेक्शन में 0.1% का भी अगर लॉस होता, हर रिफ्लेक्शन में 0.1% का भी अगर लॉस होता तो क्या हो जाता बेटे, हजारों किलोमीटर में तो कंसिडरेबल अमाउंट का डेटा लॉस हो जाता। क्या बात समझ में आ रही? यस सर। तो जैसे देखो, आपने कभी कभी, अपन बोलते हैं ना कि यार मैं कुछ बोल रहा हूँ लेकिन आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, कुछ बीच बीच के वर्ड्स जो है वो खड़ हो गए या गायब ही हो गए। हम बोलते हैं यार इंटरनेट स्पीड अच्छी नहीं आ रही, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? Maybe because of internet problem we are not able to receive. तो the point is कि उस समय पर क्या है, देखो अब इसमें भी क्या होता है बेटे के रिसोर्सेस को जो इंटरनेट प्रोवाइडर वाली जो कंपनीज होती हैं वो रिसोर्सेस को यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजिकल टूल्स इफेक्टिवली यूज करते हैं, कि मतलब उसको ऑप्टिमाइज यूज करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाई क्या है, हर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में कुछ खर्चा लगेगा, हर बार आपको बैंडविड्थ अलॉट करवाने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ लाइसेंस की फीस देनी पड़ेगी। तो दे ट्राई टू यूज दीज रिसोर्सेस इन ए मैनर के उनका उतना ज्यादा एक्सपेंसेस भी ना हो और सबको बैंडविड्थ जो है वो मिल जाए। पर कभी कभी क्या होता है, कोई लिंक बीच में डाउन हो गया या जितना कंपनी ने उस समय पर सोचा हुआ था उससे ज्यादा यूजर्स जो है वो इंटरनेट का यूज करने आ गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, क्योंकि वो बेसिकली डेटा लॉस हो जाता है। मेरे यहाँ से लेकर के आप तक जाने में क्या हो गया, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा लॉस हो गया। तो कुछ अमाउंट ऑफ डेटा लॉस हो गया तो मेरे माइक्रोफोन ने और मेरे कंप्यूटर ने जो मेरी आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया था, वैसी की वैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप तक, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप तक, मोबाइल तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर तो आपका मोबाइल का जो स्पीकर होगा जिसको उल्टा काम करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वापस आवाज बनानी है, वो उस आवाज को ठीक से नहीं रीजनरेट कर पाएगा। क्या बात समझ में आती है? Yes, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या खास काम है, वो कहता है कि भाई भले ही कितनी ही हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ले आओ, है ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज की ले आओ, 3 गीगाहर्ट्ज की ले आओ, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव लानी है उतनी ले आओ और जितनी दूर ट्रांसमिशन करना है उतना दूर ट्रांसमिट कर दो। सर ये ओशन, मैं तो 1% का भी लॉस नहीं होने दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर क्या कहता है, 1% का भी लॉस नहीं होगा भाई। हाँ बोलो, अब बोलो। सर ये ओशंस के नीचे होता है ना? ओशंस के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई होते हैं। ओशंस के अंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है, अमेरिका से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर के इंडिया, अमेरिका से लेकर के यूरोप, वो सारे पूरे देश को आपस में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही कनेक्ट करती। कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्री के किसी पार्ट का पूरा ही कनेक्शन जो है वो डाउन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समुद्री मछली जो है वो उसको केबल को काट गई, तो उस क्या होगा,
जब तक वो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रिपेयर करेंगे, तब तक वो पूरा उस पूरे एरिया का ही इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डाउन रहे। क्या बात समझ में आती है बेटा? सर यहाँ पे N1 बड़ा है या N2 बड़ा है? तुम बताओ। सर N1 ना। हाँ, N1 बड़ा होना चाहिए, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब रे कहाँ से कहाँ जा रही हो बच्चों? डेंसर से रेरर। डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके सर। बोलो सर। मतलब हायर बैंडविड्थ यूज करने का कुछ फायदा है या फिर ऐसा ही प्रॉब्लम रहता है? हायर बैंडविड्थ यूज करने का फायदा मतलब भाई जरूरी है, अगर आपको वीडियो चैट करनी है, ऑडियो भी सुनना है, तो हायर बैंडविड्थ की जरूरत है, लो बैंडविड्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? ओके सर। लो बैंडविड्थ पे क्या है, हाँ अगर आपको सिर्फ फोन टेक्स्ट मैसेज ही करना है या सिर्फ फोन पे ही बात करनी है तो दैट इज पॉसिबल एट लो बैंडविड्थ आल्सो। उसके लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन अगर आपको क्या है वीडियो कॉलिंग करनी है, जैसे हम कर रहे हैं जूम मीटिंग करनी है, तो इस तरह की चीजों के लिए आपको मोबाइल पे ही इंटरनेट के माध्यम से ही आपको क्या करना है, कोई टीवी सीरियल देखना है, कोई क्रिकेट मैच देखना है, तो उसके लिए वो लो बैंडविड्थ पे पॉसिबल नहीं है, वो हाई बैंडविड्थ पे ही करना पड़ेगा। ओके सर। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के एडवांटेजेस क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो क्या कर सकती है, हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट कर सकती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को सपोर्ट कर सकती है ना। तो अगर जैसे अपन टेलीविजन के कंटेक्स्ट में बात करें, तो टेलीविजन के कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करें तो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू क्या है, आप कई सारे चैनल्स जो हैं टीवी के चैनल्स वो एक साथ देख सकते हैं। मतलब एक साथ देखने का मतलब उसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक बार में तो आप एक ही चैनल देखोगे लेकिन वो आपके टीवी तक चैनल लेकर के आ रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो देखो टेलीविजन में क्या होता है, टेलीविजन में तो ब्रॉडकास्ट टाइप की सर्विस होती है ना, वन ऑन वन कम्युनिकेशन थोड़ी हो रहा होता है। रेडियो और टेलीविजन में तो क्या हो रहा होता है बेटे, ब्रॉडकास्ट, वन वे कम्युनिकेशन होता है और ब्रॉडकास्ट होता है, इट इज नॉट अ मल्टीकास्ट, इट इज अ, जैसे अभी जो अपन तो बात कर रहे हैं, अपन जो बात कर रहे हैं ये एक मल्टीकास्टिंग हो रही है, मल्टीकास्टिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, मेरे से लेकर के आप लोग जो भी 27 लोग कनेक्टेड हैं उन सब तक कुछ रिसोर्स डेडिकेट हो गया है। फ्रॉम माई साइड there are like 27 pipelines, virtual pipelines जो कि क्रिएट हो गई हैं, तो उन pipelines के थ्रू डेटा पहुंच रहा है आप तक मेरा, है ना। लेकिन जैसे मान लो जी टीवी आ रहा है साहब, अब जी टीवी आ रहा है तो जी टीवी तो पूरी दुनिया को देखना है, है ना। तो क्या है, वो जो जी टीवी जहां से आ रहा होता है, जो उनका टीवी स्टेशन होगा, वो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट करेगा, भाई जाने दो, सबको जाने दो, जो भी अपना पैसे दे करके कनेक्ट हो जाएगा वो इसको देख लेगा, तो दैट इज, दैट विल बी अ ब्रॉडकास्ट, वहां पर वो मल्टीकास्ट नहीं करता। तो अब ऐसे एवरी चैनल का जो डेटा है वो आप तक आ रहा है, ऐसे जितने ज्यादा चैनल का डेटा आएगा उतने ही ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी ना बच्चे, क्यों बेटे? तो ये क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो 90,000 चैनल्स, टीवी चैनल्स को, सिंगल ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो इतने टीवी चैनल्स का डेटा कैरी कर सकती है ना, मतलब एक साथ एक साथ। उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं आता रहेगा?
यस ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर वेरी कॉस्टली, कॉस्टली तो होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तभी तो हाई बैंडविड्थ हाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना महंगा नहीं पड़ता अपने को, है ना? होता कॉस्टली होता ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आर कॉस्टली। अगला जो उसका फायदा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का वो क्या होता है, पहला क्या लिखेंगे अपन, दे सपोर्ट हाई बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन सेकेंड पॉइंट क्या है बेटे, दे आर इम्यून टू एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो इम्यून है। इम्यून से हमारा मतलब क्या है कि देखो जैसे जनरली ऐसा होता है ना कि भाई हम कोई इंटरनेट कनेक्शन से कुछ बात कर रहे हैं और अचानक से मान लो मेरे मोबाइल पर कुछ फोन आया या मैसेज आया तो अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन उसको पिक कर लेता है ना, या लेट्स से कि नॉर्मली आप वायरलेस के थ्रू या टाटा स्काई के थ्रू अगर आप टीवी देख रहे हो तो बारिश के समय पे वो काम करना बंद कर देता है ना, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या बारिश होने से कभी हमारा जो वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो खराब हो जाए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, तो क्या है बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर केबल्स तो बेसिकली कोई भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बनी हुई होती है तो वो आसपास के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से अफेक्ट नहीं होती, वो अपना काम आप बोलो बोलो बेटे, ये रेडिएट करते हैं क्या, रेडिएट नहीं, ये तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरियर है ना, ये एक मीडियम है बेटे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना अपना डेटा लूज किए हुए ट्रैवल कर पा रही है, ये okay. कुछ एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये तो क्या है एक मीडियम आपने प्रोवाइड किया है जिसके के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह बिना लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के बिना लॉस ऑफ डेटा के पहुंच पाती है ना? और तो तीसरा एडवांटेज तो यही है इसका, क्या लो अटेन्यूएशन रेट, लो अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अटेन्यूएशन, तो इसका क्या होता है अटेन्यूएशन कम होता है पर किलोमीटर, इसका अटेन्यूएशन जो होता है वो कम होता है, लाइटनिंग से अफेक्ट नहीं होती सर, डिक्रीज इन क्या, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटे सर, अटेन्यूएशन मतलब डिक्रीज इन, अटेन्यूएशन मतलब डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, ओके सर, और दूसरा क्या है मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा बहुत पेचीदा उपकरण लगा हुआ हो जो कि डैमेज हो जाता हो, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बेसिकली, कहने का मतलब क्या है दे आर लॉन्ग लास्ट, ये बात क्या ये चीज समझ में आ रही, यस सर। और एक यूज जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम पढ़ते हैं वो होता है क्या, प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स सर, हाँ बोलो बेटा सर, लास्ट स्लाइड दिखाइए ना सर, एंडोस्कोपी ना, एंडोस्कोपी में भी पढ़ते हैं है ना, एंडोस्कोपी में भी वही होता है, क्या होता है बेटे कि लेट्स से कि आप किसी का
इंटरनल कुछ ही ऑर्गन का आपको क्या करना है, कुछ इमेज देखना है, जैसे पेट में किसी को इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर की जो ट्यूब है वो थ्रू योर माउथ दे इंसर्ट इनटू योर बॉडी, और क्या है उस ट्यूब के एक एंड से, अंदर तो कोई लाइट का सोर्स तो नहीं है, तो अंदर तो पूरा अंधेरा है साहब, तो क्या है एक लाइट का सोर्स डाला जाता है ताकि वो जो भी ऑर्गन को आप देखना चाहते हो वहां तक लाइट पहुंचे और ऑर्गन उस लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तो वो जो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही हमारे पास तक वापस आती है ना, तो बिकॉज ऑलरेडी सिंस द इंटेंसिटी इज वेरी लो, हम चाहते हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हो करके हमारे पास आए तो उसकी एनर्जी में लॉस ना हो, वो 100% रिफ्लेक्शन होकर के आ जाए हमारे पास, ये बात समझ में आती है? तो ये जो जो टेस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी बोलते हैं। लेकिन ये एंडोस्कोपी का जो है वो आपके बुक में मेंशन नहीं है, ये ऐसे मैंने मेरी तरफ से आपको बता दिया, बुक में जो आपके मेंशन है वो क्या है, एक है प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स और एक है पेरिस्कोप, प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स बेसिकली क्या है कि व्हाट दे डू इज ये एक सर्कुलर अपर्चर है जो कि क्या करता है, लाइट को यहां से कलेक्ट करता है ना, और एक ट्यूब में भेजा किसी बाहरी सोर्स जिसको भी आप देखना चाहते हो उससे कलेक्टेड लाइट को, ये कनेक्टेड ट्यूब है उसमें ये ट्रांसफर करता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं एक इसके रास्ते में एक प्रिज्म लगा देते हैं, इसके रास्ते में क्या लगा देते हैं बेटे, एक प्रिज्म लगा देते हैं। अब देखो क्या होता है, पहले तो रे रेयरर मीडियम से चल करके डेंसर मीडियम में जाती है, तो यहां से तो सीधी जाकर के एंटर कर जाती है, अब प्रिज्म का जो ये एंगल होता है इसको ऐसा हम सेट करके रखते हैं क्योंकि जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बन जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रहे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होने से क्या होता है, यहां से रे का रिफ्लेक्शन होता है और फिर इस सरफेस पे आकर के गिरता है, और फिर इस वाली रे को क्या करते हैं दोबारा से एक प्रिज्म में एंटर करा देते हैं, दोबारा से प्रिज्म में एंटर कराते हैं, वहां पर भी इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा करके इसको बाहर निकलवा पाते हैं, तो बेसिकली ये पूरा कर क्यों रहे हैं अपन, ये पूरा सेटअप से हमें फायदा क्या होता है, इस सेटअप से हमें ये फायदा होता है कि जो जो बीम जो हमारी ओरिजिनल बीम थी जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा था, एनर्जी इतनी ज्यादा स्प्रेड थी, वो लेस डायमीटर वाली बीम में कन्वर्ट हो जाती, लेस डायमीटर वाली बीम में कन्वर्ट हो जाती है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया बढ़ जाएगी ना बेटा, ये यहां से इसका इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाया, इधर से बाहर आई, फिर वापस से इसको हमने एक प्रिज्म में भेजा, ये इधर एंटर करती, यहां से फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने, तो देखो हमारी ओरिजिनल बीम इतनी ब्रॉड थी, जो एनर्जी थी वो इतने एरिया में फैली हुई थी, और उस एनर्जी को मैंने समेट करके एक छोटे एरिया में ले आया ना इसको, हां सर, है ना, इसको हम क्या करते हैं एक्यूमुलेट करके एक छोटे एरिया से इसको बाहर निकालवा पाते हैं, तो क्या होता है बीम डायमीटर रिड्यूस हो जाती है, इट रिड्यूसेस मतलब देखो आप ऐसे समझो कि मान लो अगर आप डायरेक्टली अपनी आंख से अपनी आंख को इस डायमीटर के सामने रख दोगे, एक ब्रॉड बीम के सामने रख दोगे,
तो आपकी आंख में तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ एनर्जी जा पाएगी ना बेटा, नहीं। और अगर आपने क्या किया, उसी बीम को जितनी भी एनर्जी थी, एनर्जी को लॉस नहीं होने दिया, बस उस एनर्जी को आपने क्या किया, छोटे बीम में कन्वर्ट कर दिया। वो जो बड़े बीम की एनर्जी थी उसको छोटे बीम में कन्वर्ट कर दिया, तो छोटे बीम का तो लार्जर परसेंटेज आपकी आंख में एंटर कर पाएगा ना। तो आपको जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो उसको आप इंटेंसिटी अच्छी दिखाई देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा करके क्या है, पेरिस्कोप का भी यूज किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है बेटे, पता है किसी को? सबमरीन्स में होता है या फिर अंडरग्राउंड टनल्स में भी इसको यूज करते हैं। जो बंकर्स होते हैं आर्मी के, उनमें भी इसको यूज करते हैं। जैसे क्या है, आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मान लो ये एक, जैसे सब बता रहे हो भाई सब सबमरीन्स के इसका यूज अपन करें, तो क्या है, ये एक ऐसा पानी के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, जस्ट सरफेस पे है ना, ऑलमोस्ट ऑन द और यहाँ पर आप छुप के बैठे हुए हो, आप देखना चाहते हो यहाँ से कि यार ऊपर से सरफेस से कोई एनिमी की शिप वगैरह तो नहीं आ रही है ना, तो क्या है, या कोई पायरेट अंदर बैठा हुआ है, वो पायरेट देखना चाह रहा है यार कि कोई आ तो नहीं रहा मैं जिसको मैं लूट सकूं, तो वो क्या है, यहाँ से लाइट रे एंटर करी है ना। अब देखो नॉर्मली, अगर नॉर्मली अपन इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना कराएं तो टकरा टकरू करके भी लाइट आपके पास तक पहुंचेगी, लेकिन उसमें क्या होगा, 100% रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आपके पास तक पहुंचते पहुंचते लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, कम हो जाएगी है ना। तो आप क्या है, आप अगेन यू विल कीप अ प्रिज्म एट अप्रोप्रिएट एंगल, अप्रोप्रिएट एंगल पे इस तरह से प्रिज्म को रखोगे कि वो प्रिज्म उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे लाइट को और टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर दे, तो उससे क्या होगा, कोई एनर्जी में लॉस नहीं होने दे। फिर यहाँ पर लाइट रे ऐसे एंटर करे, इधर से यहाँ तक गया, फिर इधर से जाकर के ये बात सुन रहे, तो वहां से लाइट रे आपके पास तक भी पहुंच जाएगी, तो आपको दिख भी जाएगा और अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ भी दिख जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप। इसी चीज को आप क्या है, जैसे कोई जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बंकर आपने बना रखा है एंड यू वॉन्ट टू कीप एन आई ऑन द एनिमी, कोई वहां से कोई हरकत तो नहीं हो रही कोई, तो इसके लिए भी अपन क्या है, पेरिस्कोप को यूज करते हैं डिफेंस पर्पसेस में यूज। इज इट क्लियर बच्चों? यस यस सर, यस सर, ओके वेरी गुड। अरे यार आज मैंने वीडियो ऑन नहीं करवाया तुम लोगों का, वीडियो ऑन करो भाई। कौन कौन आया है आज? स्वप्निल पांडे, तुम कल नहीं आए थे क्या? स्वप्निल वीडियो ऑन करो, कहाँ गया स्वप्निल? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तुम नहीं सुन रहे हो? ये बेटा देख तो रहा। yes, हो तुम लेक्चर में या कुछ और काम yes, कर रहे हो? yes, sir.
चैट बॉक्स में लिख रहा है, क्यों तुम्हारा माइक कनेक्टेड नहीं है क्या बेटे? माइक का प्रॉब्लम है? जैसे ही अपना लेक्चर खत्म होता है तुम क्या करना स्वप्निल, जितने भी नोट्स तुमने अपनी हैंडराइटिंग में बनाए हैं वो भेजना मेरे को तुरंत, ठीक है? ओके बच्चों, तो ये बात है भाई। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे अब बच्चों किसकी, लेंसेस, है ना? हम बात करेंगे किसकी, लेंसेस। लेंसेस क्या होते हैं बच्चों? सर, ग्लास का पीस। लेंसेस बेसिकली भाई क्या है, एक कोई मीडियम विच इज बाउंडेड बाय सम कर्व्ड बाउंड्रीज, है ना? वो लेंस इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा लेंस भी हो सकता है। हम बेसिकली किस तरह के लेंसेस की बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस का मतलब क्या होता है? अ मीडियम बाउंडेड बाय स्फेरिकल सरफेसेस। कोई मीडियम है, देयर इज सम मीडियम, और ये जो सरफेसेस हैं ये कैसी हैं? दीज आर स्फेरिकल सरफेसेस। जैसे इस तरह का अगर लेंस है तो इस लेंस को नाम देंगे क्या? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अगर ये लेंस है तो इसको क्या नाम देंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस। अगर या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा लेंस है सर ये बाइकॉन्केव होगा, और ये बाइकॉन्केव या सिंपली कॉन्केव। अंदर कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई मीडियम है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको एन एन लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है? अगर ऐसा लेंस हुआ तो उसको क्या नाम देंगे बच्चों? प्लेन। ये बात प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। सर वो एन ई क्या लिखा है? एन एल। एन एल मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। ओके सर। एन एल, एन एल का मतलब क्या है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अगर इस तरह का लेंस हुआ कोई, प्लेनो कॉनकेव,
इसको क्या नाम देंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव क्या ये बात सुन में आती है? यस सर। तो बेसिकली जैसा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी तरह से एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/ इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं बेटे, लेंस फॉर्मूला। और ये कब एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल फॉर थिन लेंस। थिन लेंस मतलब क्या होना चाहिए, ये जो दो सरफेसेस हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर मान लो आपके पास एक लेंस नहीं है, एक कोई ऐसा, हाँ बेटा, हो गया सर। देख अगेन, पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, 1/f पावर इन डायोप्टर्स अगर लिखना है इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ इन मीटर। अगर मान लो आपके पास ऐसा है कि कई सारे थिन लेंसेस जो हैं वो एक के बाद एक आपने रखे हुए हैं और उनसे सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस करवा करके इमेज फॉर्म करा रहे हो, तो इसकी ये एक सिंगल लेंस की तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं और लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, या उस सिंगल लेंस की पावर कितनी हो जाएगी, इट विल बी P1 + P2 + P3। ऑल दीज लेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल लेंस हैविंग फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट। ऑल दीज लेंसेस कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल लेंस हैविंग फोकल लेंथ कितना, f इक्विवेलेंट, वेयर f इक्विवेलेंट इज 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, व्हेन लेंसेस आर प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर।
that is without any gap between. उनके बीच में कोई गैप नहीं होना, that is without any gap between. सर और ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए. ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए and coaxial. And they must be coaxial. अच्छा, इसमें एक बात हमें जरूर ध्यान है कि जब भी इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो वो विद साइन सब्स्टिट्यूट करना F1, F2, F3 और P1, P2, P3 must be substituted with their proper signs. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. है ना? अगर लेंसेस के बीच में कुछ गैप हुआ, मान लो लेंसेस के बीच में कुछ डिस्टेंस हुई डी, तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? इफ lenses having focal lengths F1 and F2 and they are placed at a separation of D from each other. So 1 by F equivalent ki kya value hogi? It will be 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 into 1 by F equivalent to 1 by F1 plus 1 by F2 minus D by F1 F2. Yep. Equivalent power ko kya likhenge? P1 plus P2 minus D multiplied by P1 into. Kya ye baat samajh mein aa rahi hai? Sir, ye jab gap hai tab ka formula hai na? Ye tab ka formula hai. Jab lens ke beech ka kya ho? Gap. हो गया एक मिनट. हो गया बेटे? यस सर. यस सर. देखो, ये लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटे, वो हमें एक बात ये ध्यान रखनी है, वो आर बाई टू के बराबर नहीं होती. सर क्योंकि यहाँ पे दो दो कर्वेचर्स होंगे ना. पहली बात तो दो दो कर्वेचर है,
दूसरा भाई वहां तो रिफ्लेक्शन होता था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा, राइट? तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन मैं तो मीडियम का कोई रोल नहीं होता, यहाँ तो मीडियम का भी तो कुछ रोल होगा, क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो अब इसका फोकल लेंथ कैसे पता लगाते हैं? तो इसकी फोकल लेंथ पता लगाने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। सर इसमें एक्चुअली दो दो बार होगा ना रिफ्रैक्शन? दो बार रिफ्रैक्शन। तो पहले हम एक एक सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर लेंस की फोकल लेंथ पता लगाने के लिए दो बार रिफ्रैक्शन पता करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। बेटा एक मिनट, हाँ बेटे, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेसेस, है ना? मतलब देखो, जो अपन ने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन वहां पर सरफेस कैसी थी बेटे? सरफेस कैसी थी जो हमने एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एन ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, वो सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन कैसी थी? प्लेन सरफेस, है ना? वो सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन कैसी थी बच्चों? जैसे यहाँ पर प्लेन सरफेस थी, पानी और एयर को सेपरेट करने वाली सरफेस कैसी थी? सर स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, प्लेन सरफेस, है ना? एक प्लेन होगा ना, लाइन थोड़ी है, वो तो प्लेन है, तो उसको क्या कहेंगे? वो जो फॉर्मूला है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्लेन सरफेस, जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो, कैसे? प्लेन सरफेस, है ना? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन हो रहा हो कैसी सरफेस से? स्फेरिकल सरफेस, है ना? जैसा कि उस दिन तुम लोग कुछ बात बता रहे थे कि वो फिश टैंक होता है, तो कुछ तो फिश टैंक प्लेन भी होते हैं, लेकिन कुछ फिश बाउल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है ना? यस सर। तो उसके थ्रू अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, या कहीं पे पेपर वेट रखा हुआ था, पेपर वेट भी स्फेरिकल शेप होती है, उसके अपर सरफेस कुछ पेपर वेट स्फेरिकल टाइप के भी होते हैं, है ना? तो अगर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कैसा होगा वो अपन देखते हैं, और एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पता चलेगा तो उसकी मदद से फिर अपन लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी डिराइव कर पाएंगे, क्योंकि लेंस में क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होते हैं। लेंस में क्या होता है बेटे? दो स्फेरिकल सरफेस से सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होते हैं। तो देखो हमने क्या किया, एक मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, है ना? बेसिकली दो मीडियम हैं, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री विच सेपरेट्स टू मीडियम, ठीक है? एक तरफ मीडियम मान लेते हैं कुछ N1, दूसरी तरफ मीडियम मान लेते हैं N2। सर एयर और ग्लास ही ले लो ना। नहीं नहीं एयर और ग्लास नहीं, हमें जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो N1 और N2 लेकर के डिराइव, ठीक है?
इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान लो, तो यहां कहीं पे इसका सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर से पास होने वाली एक सिमेट्रिक लाइन को हम इसकी एक्सिस मान लेते हैं ना, ये एक्स एक्सिस हो गई, इधर पॉजिटिव एक्स, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब देखो क्या है, मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी वो मेरे को देखना है। ऑब्जेक्ट से रेस चल करके इस बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है ना। अच्छा मान लो इस पॉइंट को हम ए नाम दें, और क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ये स्फेरिकल सरफेस है, तो ए पॉइंट पे नॉर्मल कैसे पता लगाओगे बेटे? सर उसके टेंजेंट से परपेंडिकुलर, टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, या और कोई आसान तरीका बताओ। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होगी ना। हाँ सर। या ए पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो जो लाइन बनेगी वो नॉर्मल बनेगी? मतलब क्या मैं एक ऐसी लाइन अगर बना दूं तो क्या ये वाली लाइन नॉर्मल होगी बेटे? हाँ सर, ये वाली लाइन नॉर्मल होगी। मतलब ये जो एंगल हो जाएगा, क्या इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं? क्यों बेटा? यस सर, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस रे का रिफ्रैक्शन होगा राइट, तो ये अपने पाथ से डेविएट करेगी, मान लो डेविएट करके कुछ ऐसे चल जाए, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो क्या ये जो एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं? बोलिए। हाँ सर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट को आई नाम दे दें, बोलिए। ये एक तरह से इमेज हो गई ना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली अगर मैं ऐसी रे कंसिडर करता तो क्या ये नॉर्मली इंसिडेंट रे हो जाती? और क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली रे तो सीधी निकल जाती बेटे? बोलिए। क्या हम बोल सकते हैं ये रे तो सीधी निकल जाएगी, ये थोड़ी बेंड होगी, कि ये रे भी बेंड होगी क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, ये बेंड नहीं। इस रे की अगर मैं बात करूं तो ये रे बेंड नहीं होगी, ये तो आई पॉइंट पे ही मिलेगी आकर। ये रे तो क्या होगा, आई पॉइंट पे ही आकर, मतलब सीधी निकलेगी। तो क्या आई पॉइंट जो है ये दो रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो क्या आई पॉइंट को इमेज बोल सकते हैं? यस सर। और ओ पॉइंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इस पॉइंट को मान लेते हैं क्या? ओ, है ना। देखो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोल देते हैं अल्फा बेटे, जो सेंटर ए पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं बीटा, इमेज को ए पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है उसको बोल देते हैं गामा, है ना। अच्छा लुक एट ट्राइंगल ए ओ सी, कंसिडर ट्राइंगल ए ओ सी, ये ट्राइंगल देखिए आप, क्या आप आई इस ट्राइंगल में आई को अल्फा प्लस बीटा के बराबर लिख सकते हो? यस सर। हाँ सर।
कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है हमने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना. फिर उसी तरह से लुक एट ट्राइंगल. यहां से बेसिकली बीटा की वैल्यू हमने पता लगा ली आई माइनस अल्फा, राइट. नाउ सिमिलरली लुक एट ट्राइंगल ए आई सी. ट्राइंगल ए आई सी में क्या बीटा को आर प्लस गामा लिख सकता हूँ? यस सर. है ना, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास बीटा आया है. ये दोनों बीटा सेम ही तो एंगल हैं, तो क्या मैं वन और टू से मिलाकर के ऐसा लिख सकता हूँ I माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर प्लस गामा? बोलिए भाई. यस सर. है ना, कैसे है इसको अपन लिख तो सकते हैं. इनफैक्ट हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों, रादर देन डूइंग इट लाइक दिस, हम ऐसा करते हैं आई की वैल्यू पता लगा लेते हैं. यहां से आई को मैं लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे आई और आर में रिलेशन पता है ना, तो आई को लिख लेता हूं बीटा प्लस अल्फा, इसको इक्वेशन वन नाम दे दूंगा, और आर को लिख लेता हूं कितना बीटा माइनस गामा, इसको इक्वेशन टू नाम दे. आई और आर में क्या रिलेशन जानते हो बेटे आप? क्या एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर ऐसा लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ की मदद से? एन वन साइन आई बराबर है किसके? एन टू साइन आर के. मतलब क्या आ गया, एन वन इन टू. अच्छा, अगर आई और आर छोटे एंगल्स हैं तो क्या साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई भी लिख सकते हैं और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर भी लिख सकते हैं बच्चों? फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देते हैं ना, ये पता है कि नहीं पता आपको बच्चों? Yes. पता है सर. किधर पढ़ा ये सर? मैथ्स में. मैथ्स में पढ़ा है ऐसा? ओके. फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा को कितना लिख देते हैं? थीटा. तो साइन आई को लिख देंगे आई और साइन आर को लिख देंगे आर. हम मान के चल रहे हैं कि छोटा एंगल वाली लाइट ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू इक्वेशन वन से ला करके हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एन वन इंटू बीटा प्लस अल्फा, और आर की वैल्यू इक्वेशन टू से ला करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आर की जगह लग देंगे बीटा माइनस गामा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वन इंटू बीटा प्लस एन वन इंटू अल्फा इक्वल टू एन टू इंटू बीटा माइनस एन टू इंटू गामा. क्या ये बात समझ में आती है? दैट मीन्स हम क्या करें, बीटा वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो एन वन इंटू अल्फा प्लस एन टू इंटू गामा इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इंटू बीटा. क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एन वन इंटू अल्फा प्लस एन टू इंटू गामा इक्वल टू एन टू माइनस एन वन इंटू बीटा? क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. अब अल्फा की वैल्यू लिखो आप. अल्फा देखो, अल्फा ये वाला एंगल है, तो अल्फा को आप एपी अपॉन पीओ ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं एपी अपॉन पीओ. गामा की जहां तक बात है तो गामा में भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करें, लेंथ ऑफ आर्क एपी अपॉन पीआई, तो ये हो जाएगा एपी अपॉन पीआई. और बीटा की जहां तक बात है तो बीटा को देंगे, देखो इस ट्राइंगल में ये बीटा एंगल है, तो बीटा को एपी अपॉन पीसी ऐसा लिख सकते हैं, एपी अपॉन पीसी. तो क्या यहां से एपी से एपी से एपी कैंसिल हो गया क्या बेटा? तो आपके पास क्या आ गया, एन वन अपॉन पीओ प्लस एन टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर. क्या ऐसा लिख सकते हैं?
अब देखो हम जो फॉर्मूला है वो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लेकर आना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लेकर आना चाहते हैं मतलब क्या है, राइट साइड को पॉजिटिव साइड मानते हैं, लेफ्ट साइड को क्या मानते हैं, नेगेटिव साइड। तो जो ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है u, क्या उसको माइनस पीओ लिखना पड़ेगा मेरे को? हाँ सर। या पीओ को माइनस यू लिख सकता हूं, है ना? उसी तरह से इमेज का जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या उसको तो सीधे सीधे पी आई के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव साइड पे लाई कर रहा है ना, तो जो डिस्टेंस है वही कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो पीओ को तो माइनस यू लिख दो और पी आई को वी लिख दो। पीओ को तो लिख दो कितना माइनस यू और पी आई को लिख दो कितना वी, इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। तो आपके पास क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या फॉर्मूला यूज करना है इमेज फॉर्मेशन के लिए वो पता चलेगा, एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन बाई आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो n1 by n1 ap by po वाले स्टेप से नहीं समझा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मतलब इस वाली स्टेप से ना, ये वाली स्टेप की बात कर रहे हो? यस सर। है ना, तो देखो इसमें क्या है भाई, आपको ये पता है ना कि जैसे मान लो अगर कोई हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसका अगर कोई हमने छोटा सा आर्क लिया ए बी और ये आर्क मान लो सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो थीटा को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल ऐसा लिख देते हैं कि नहीं लिख देते? यस सर। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एंगल ऊपर का लिखा है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ लिखा। ओके सर। आर्क लेंथ ए बी अपॉन ए। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां भी अप्लाई किया है कि जैसे ओ पॉइंट पर एंगल बन रहा है अल्फा, तो अल्फा को कितना लिख दिया, ये वाली लेंथ ए पी डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस पीओ। ठीक है, और ये इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं अल्फा बीटा गामा सब छोटे एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, बड़े एंगल कंसिडर नहीं कर रहा। बीटा को कैसे लिख दिया, ए पी डिवाइडेड बाई पी सी। सर मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास से हो रहा है ना सब कुछ? प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली रे कंसिडर कर रहे हैं अपन, है ना? समझ में बात आती है बेटे? यस सर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे भाई हम, इमेज फॉर्मेशन थ्रू सिंगल स्फेरिक रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस। सर तो इस फॉर्मूला में हम यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्या? नहीं, यू की वैल्यू आप नेगेटिव ही लोगे। सर बिकॉज आपने माइनस यू पहले लिख दिया ना। हाँ आप तो u को विद साइन ही सब्स्टिट्यूट करना। सर डायग्राम दिखाइए ना जरा। डायग्राम बताएं बेटे, एक मिनट रुको। ये रहा, हो गया सर। हो गया भाई।
अब देखो जैसे इसका अपन एग्जांपल कराते हैं। हो गया सर। हो गया बेटे। देखो अच्छा ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। बोलो बेटे। सर आपने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कुछ होमवर्क के कुछ शीट्स देंगे, दिए नहीं हो अभी तक। अच्छा इसमें हाँ देखो सुनो मैं तुम्हें होमवर्क लिखा रहा हूँ। अपने जो आपकी एचएससी वाली बुक है सब लोगों के पास? यस सर। यस सर। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ, वो करना ठीक है? तो सर मेरे पास नहीं है सर। तो मैं पीडीएफ भेज दूँगा। वो पीडीएफ है टारगेट पे। सर आप क्वेश्चन नंबर भी भूल रहे हो कि ग्रुप पे लिखूंगा? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना बेटा, लिख रहा हूँ। ओके देखो होमवर्क में आपको क्या क्या करना है, जो एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर वन जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन। ठीक है
फिर जो क्वेश्चन नंबर थ्री है उसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सेवन, ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा। लेक्चर मैं आज अपलोड कर दूंगा बेटा, कल वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, अभी कर दूंगा, ठीक है सर। कौन से चैप्टर के हैं सब? ऑप्टिक्स, ये सब ऑप्टिक्स हैं। उसका डेट ऑफ डिस्कशन कल ही होगा क्या? इन इन क्वेश्चंस का हाँ कल कर लेंगे इन बट। ओके सर, एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट लेना था सर। हाँ सर, हाँ मैं भेज रहा हूँ ना, पीडीएफ भेज रहा हूँ ना, तुम क्वेश्चन। अच्छा।